सब्सक्राइब कीजिए ओम नर्सिंग एकेडमी चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है एबनॉर्मल या अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न। इसमें हम बात करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न की डिफरेंट टाइप्स जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, GMCH जोधपुर, एम्स दिल्ली और एम्स ऋषिकेश में से इसमें से क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं यूपिनिया। यूपिनिया किसे कहते हैं? नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को ही यूपिनिया कहते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो है 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट, इसे क्या कहते हैं? यूपिनिया। सेकंड हम बात करते हैं ब्रेडिपिनिया। 10 ब्रीथ पर मिनट से कम होगी, यह जो इंक्रीज ICP की केस है, ब्रेन इंजरी है, ड्रग ओवरडोज के केस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेकीपिनिया। टेकीपिनिया में जो ब्रीथिंग रेट है वो 24 से अबव होगी, यानी ब्रीथिंग रेट है वो 24 ब्रीथ से पर मिनट से अबव हो, उसे क्या कहते हैं? टेकीपिनिया। और ये कौन से केस में देखने को मिलता है? निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड सेप्टिसीमिया, इन केस में हम टेकीपिनिया देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरपिनिया में। हाइपरपिनिया के अंदर जो भी रेस्पिरेशन है उसकी डेप्थ है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। डेप्थ मतलब गहराई, यानी लंबी लंबी सांसें लेना, वही क्या है? हाइपरपिनिया। नेक्स्ट है एपनिया। एपनिया पीरियड ऑफ सेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी जो श्वास है वो रुक जाना, यानी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो रुक जाना, उसे क्या कहते हैं? एपनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुसमुल रेस्पिरेशन। कुसमुल रेस्पिरेशन में हमें टेकीपिनिया प्लस हाइपरपिनिया देखने को मिलता है। टेकीपिनिया प्लस हाइपरपिनिया की कंडीशन कुसमुल रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है। इसमें देखिए रैपिड गैस्पिंग एंड वेरी डीप टाइप ऑफ लेबर्ड ब्रीथिंग, इसमें इंसान है वो टेकीपिनिया मतलब उसकी ब्रीथिंग रेट वो बढ़ जाएगी और जो उसका जो डेप्थ है ब्रीथिंग की वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कुसमुल रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग की रेट प्लस ब्रीथिंग की जो डेप्थ है वो दोनों बढ़ती है। वो कौन सा रेस्पिरेशन है? कुसमुल रेस्पिरेशन, इसे एयर हंगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कंडीशन हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केस में देखने को मिलती है, वो इस तरह से आप देख सकते हो। कुसमुल रेस्पिरेशन में टेकीपिनिया प्लस हाइपरपिनिया कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन। चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चेन प्लस स्टॉप, यानी चेन स्टॉप। इसमें क्या होता है कि इसमें टेकीपिनिया की कंडीशन आएगी प्लस एपनिया। टेकीपिनिया, चेन और एपनिया, स्टॉप, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ये इसकी ट्रिक है। इसमें क्या होगा, इसमें टेकीपिनिया की कंडीशन आएगी प्लस में एपनिया की। इसको अदर नाम से जाना जाता है, वो है पीरियोडिक ब्रीथिंग। ये कौन से कंडीशन में देखने को मिलते हैं? जब अपना जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, पॉन्स है, वो डैमेज हो जाए, स्ट्रोक की कंडीशन में, ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर और टॉक्सिसिटी के केस में, और हार्ट फेल्यूर के केस में भी चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बियोट रेस्पिरेशन। बियोट रेस्पिरेशन को क्लस्टर ब्रीथिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब बियोट रेस्पिरेशन में होता क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ क्विक सेलो इंस्पिरेशन। ग्रुप ऑफ क्विक सेलो इंस्पिरेशन मतलब क्विक जल्दी जल्दी, सेलो हल्की सांसें। इसमें पेशेंट है वो क्विक और सेलो इंस्पिरेशन करता है, फिर एपनिया की कंडीशन आती है। ये क्या है? बियोट रेस्पिरेशन, जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल ये रेस्पिरेशन है, ये फ्लेल चेस्ट के पेशेंट में देखा जाता है। फ्लेल चेस्ट का पेशेंट, ये क्या है? ब्लंट चेस्ट ट्रोमा है
उससे जुड़ा हुआ था, यानी कोई भी पेशेंट है अगर उसको चेस्ट की वो इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी जो रिब्स है वो फ्रैक्चर हो जाती है। नॉर्मल रेस्पायरेशन में देखते हो, जब हम सांस लेते हैं तो अपना चेस्ट बाहर आता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो अपना चेस्ट वापस से अंदर जाता है। लेकिन फ्लेयर चेस्ट में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो रिब्स है वो अंदर की तरफ इन्वर्ट होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जब रिब्स है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करती हैं। ये क्या है, पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन। ये कौन से केस में देखने को मिलता है, फ्लेयर चेस्ट। ये क्वेश्चन आया था GMCH 2016 की एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।